दोस्तों बीसीसीआई ने घोषित करी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के लिए 15 सदस्यीय खिलाड़ियों की लिस्ट। 5 धुरंधर खिलाड़ियों को किया बाहर, टीम इंडिया की जीत लगभग तय। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बीसीसीआई ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के लिए 15 सदस्यीय खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया है, जिसमें 5 खतरनाक खिलाड़ियों को बाहर किया गया है। दोस्तों क्या होने वाली है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए पूरी टीम, आज के इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट करते हो, चाहते हो कि यह फाइनल मुकाबला टीम इंडिया जीते, तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 1000 लाइक का है, तो दोस्तों अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में अब लगभग 2 दिनों का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में बीसीसीआई ने भारतीय टीम की 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है, जहां पहले भारतीय टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए 20 सदस्यीय खिलाड़ियों को इंग्लैंड के लिए रवाना किया था। लेकिन अब 15 जून को बीसीसीआई ने इन 20 खिलाड़ियों में से 15 खिलाड़ियों की सूची फाइनल मुकाबले के लिए चुनी है और दोस्तों इन 15 खिलाड़ियों में से भारतीय टीम की प्लेइंग 11 तैयार की जाएगी। वहीं दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए चुनी गई 15 सदस्यीय इस टीम में 2 बड़े खिलाड़ियों को शामिल नहीं किया गया है, जो कि बीसीसीआई के काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला फैसला है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला भारतीय टीम 18 जून को खेलने वाली है और यह मुकाबला इंग्लैंड के हैमिल्टन स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसकी शुरुआत 18 जून को दोपहर 3:30 बजे से होगी। वहीं दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम ने भी अपनी 15 सदस्यीय खिलाड़ियों की सूची जाहिर कर दी है। दोस्तों भारतीय टीम की जारी की गई 15 सदस्यीय टीम में कप्तान के रूप में विराट कोहली को ही चुना गया है, तो वहीं पर उपकप्तान की भूमिका एक बार फिर से अजिंक्य रहाणे को दी गई है। इसके अलावा दोस्तों हिटमैन रोहित शर्मा का नाम इस सूची में है या नहीं, इसके बारे में आगे हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले आप सभी को सूचित कर देता हूं कि 15 सदस्यीय खिलाड़ियों में ऑलराउंडर अक्षर पटेल और विस्फोटक बल्लेबाज मयंक अग्रवाल को जगह नहीं दी गई है। हालांकि इस सूची में युवा बल्लेबाज शुभमन गिल और युवा गेंदबाज मोहम्मद सिराज को मौका दिया गया है। इसके अलावा रिद्धिमान साहा को 15 सदस्यीय टीम में चुना गया है, जो कि काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला फैसला है। दोस्तों आपके हिसाब से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का यह फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड में से कौन सी टीम जीत सकती है, कमेंट करके हमें उसका जवाब जरूर दें। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के लिए बीसीसीआई ने किन 15 खिलाड़ियों को चुना है। दोस्तों सबसे पहले बात की जाए ओपनर बल्लेबाजों की, तो दोस्तों ओपनिंग बल्लेबाजी में पहला नाम रोहित शर्मा का आता है। रोहित शर्मा ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन किया था और इसी का फायदा रोहित शर्मा को इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में हो सकता है। इसके अलावा रोहित शर्मा के साथ ओपनर बल्लेबाज के तौर पर शुभमन गिल को चुना गया है, वहीं मयंक अग्रवाल को 15 सदस्यीय टीम में शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के लिए रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी हमें ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए नजर आएगी। वहीं दोस्तों चेतेश्वर पुजारा को भारतीय टीम में मौका मिला है। दोस्तों टेस्ट क्रिकेट के अहम खिलाड़ी माने जाने वाले चेतेश्वर पुजारा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के प्लेइंग 11 में भी मौजूद होंगे। अब तक दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में चेतेश्वर पुजारा ने 818 रन बनाए हैं। वहीं दोस्तों मध्यक्रम बल्लेबाजी में नंबर 4 पर कप्तान विराट कोहली को चुना गया है। इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट सीरीज में विराट कोहली ने शानदार प्रदर्शन किया था और 2 अर्धशतक जड़े थे। इस फाइनल मुकाबले में विराट कोहली से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जाएगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इस फाइनल मुकाबले में विराट कोहली शानदार प्रदर्शन करके इस मुकाबले को जीत कर कई सारे बड़े कीर्तिमान रच सकते हैं। वहीं दोस्तों इसके अलावा मध्यक्रम बल्लेबाजी में अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत और रिद्धिमान साहा को चुना गया है, जहां दोस्तों अजिंक्य रहाणे की जगह भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में लगभग तय होने वाली है। अब तक इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अजिंक्य रहाणे भारत की तरफ से सबसे अधिक रन बना चुके हैं और इस फाइनल मुकाबले में अजिंक्य रहाणे से भारतीय टीम को काफी ज्यादा उम्मीदें रहेगी। वहीं इसके अलावा रिद्धिमान साहा और ऋषभ पंत को शामिल करने की काफी ज्यादा संभावना है। वहीं प्रैक्टिस मैच में ऋषभ पंत काफी ज्यादा पसीना बहाते हुए नजर आए थे। दूसरी तरफ रिद्धिमान साहा का पिछले कुछ मैचों में प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है, ऐसे में विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर ऋषभ पंत को टीम में मौका मिलने की पूरी संभावना है। इसके
के अलावा 15 सदस्यीय टीम में 3 विस्फोटक ऑलराउंडर खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, पहले ऑलराउंडर के रूप में हनुमा विहारी को टीम इंडिया में मौका मिला है, जहां हनुमा विहारी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के सफर में अब तक 8 मैचों में 457 रन बनाए हैं और गेंदबाजी से अपना भरपूर योगदान दिया है। इसके अलावा दूसरे ऑलराउंडर के रूप में रविचंद्रन अश्विन को टीम इंडिया में शामिल किया गया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इस सफर में रविचंद्रन अश्विन का टीम इंडिया की तरफ से काफी ज्यादा योगदान रहा है। फाइनल मुकाबले में रविचंद्रन अश्विन मात्र 4 विकेट हासिल करके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन जाएंगे। वहीं तीसरे ऑलराउंडर के रूप में रविंद्र जडेजा को चुना गया है। अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में रविंद्र जडेजा ने 400 से अधिक रन बनाए हैं और 30 से अधिक विकेट हासिल किए हैं और इस फाइनल मुकाबले में प्लेइंग 11 में रविंद्र जडेजा को मौका जरूर मिलेगा। वहीं दोस्तों 15 सदस्यीय इस टीम में 5 तेज गेंदबाजों को शामिल किया गया है। दोस्तों पहले तेज गेंदबाज के रूप में आप सभी को उमेश यादव खेलते हुए नजर आएंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में खेलते हुए उमेश यादव ने 29 विकेट हासिल किए हैं। हालांकि प्लेइंग 11 में उमेश यादव को मौका मिलने की कम ही संभावना है। इसके अलावा दोस्तों युवा गेंदबाज मोहम्मद सिराज को भी 15 सदस्यीय टीम में चुना गया है। वहीं दोस्तों इसके अलावा ईशांत शर्मा को भी 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है, जिन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अब तक 36 विकेट हासिल किए हैं। इन 5 गेंदबाजों में से ईशांत शर्मा सबसे ज्यादा अनुभवी गेंदबाज के रूप में टीम में मौजूद होंगे। इसके अलावा मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह की जोड़ी भी टीम इंडिया में खेलते हुए नजर आएगी और यह दोनों खिलाड़ी प्लेइंग 11 में खेलते हुए भी नजर आएंगे। दोस्तों मोहम्मद शमी अपना आखिरी टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले थे और लंबे समय के बाद मोहम्मद शमी एक बार फिर से अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का जलवा बिखेर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जसप्रीत बुमराह भी यॉर्कर गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को धाराशायी कर सकते हैं। दोस्तों कुछ इस तरह से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के लिए 15 सदस्यीय खिलाड़ियों को बीसीसीआई ने चुना है। दोस्तों इसे में आपको क्या लगता है, आप सभी की महत्वपूर्ण राय क्या है, क्या टीम इंडिया इस फाइनल मुकाबले को जीत पाएगी, उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।